इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स। बिजली की खोज हमारे जीवन की बहुत बड़ी घटना है। इसके आने के बाद चीजें बहुत आसान हो गई। फिर अंधेरा भगाना हो या खाना पकाना हो। पर बिजली का संगीत से क्या कनेक्शन? आइए जानते हैं कि बिजली रानी ने म्यूजिक में कैसे मदद की। लंबे समय से वाद्यों को उनके वास्तविक रूप में बजाया जाता रहा है, पर इलेक्ट्रिसिटी के जन्म के बाद एक नए तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स या वाद्यों का जन्म हुआ, जिन्हें इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स कहा जाता है। जैसे कि नाम से ही पता चलता है, ये वे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिन्हें बिजली से जोड़ा गया है। जैसे यह वीडियो देखिए। इस वीडियो में कीबोर्ड को तार के माध्यम से बिजली से जोड़ा गया है और जो काम हवा करती थी वह काम यहाँ बिजली कर रही है। इसीलिए कीबोर्ड के वास्तविक रूप में इस्तेमाल होने वाला एयर पेडल यहाँ जरूरी नहीं है। ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक गिटार भी है। यहाँ भी गिटार को बिजली से जोड़ा गया है। ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स में एम्पलीफायर की जरूरत होती है, जिससे आवाज जोर से सुनाई दे। अब सोचने की बात यह है कि इसकी जरूरत क्या है। इलेक्ट्रिसिटी जैसे जीवन को सरल बनाती है, वैसे ही इंस्ट्रूमेंट प्लेइंग को भी आसान करती है। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट से ध्वनि पैदा करना किसी अकूस्टिक इंस्ट्रूमेंट की तुलना में आसान होता है। सभी गाने वालों को कोई वाद्य बजाना आए यह जरूरी नहीं है, और उनकी सुविधा के लिए भी कुछ इंस्ट्रूमेंट्स को इलेक्ट्रॉनिक बनाया गया है, जैसे यह तानपुरा। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में गायक की संगत में बजाया जाता है, पर सबको यह बजाना नहीं आता, तो इसका एक इलेक्ट्रॉनिक अवतार बनाया गया है, इलेक्ट्रॉनिक तानपुरा। ले जाने में भी आसान और बजाने में भी। शास्त्रीय संगीत में बहुत कम इलेक्ट्रॉनिक वाद्यों का इस्तेमाल होता है। मॉडर्न म्यूजिक में ये ज्यादा बजाए जाते हैं। वाह, बिजली सच में बड़ी अच्छी खोज है ना? क्या आप ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट जानते हैं जो बिजली के माध्यम से बजाया जाता है?